बहुत बढ़िया। हम लोग सब लोग हाइटी का माननीय राज्यपाल महोदय जी का आज सबका को निमंत्रण था, सभी लोग आए थे, राज्य के गणमान्य लोगों से मिलने का अवसर। लेकिन आज यहाँ पर तो लग रहा है कि अब गठबंधन टूट चुका है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री है वो नहीं आए। देखिए, यहाँ तो माहौल है गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जो गवर्नर साहब ने हम सब लोगों को बुलाया है, बड़े चिकित्सकों से, विधि के जो जानकार हैं उनसे, अलग अलग विधाओं में जो निपुण लोग हैं, सब बड़ी हस्तियों से सबसे मिलने का अवसर था। और उसके बाद अल्पाहार की व्यवस्था है, तो आप लोग आ रहे हैं नीतीश जी के साथ, ऐसा कहा जा रहा है, तो कोई गुरेज तो नहीं? देखिए, अब इस तो हम लोग का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा ना, इसमें हम लोग का तो कुछ रहता नहीं। क्या अगर एनडीए में आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा नीतीश जी अगर आते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए का शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करेगा। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, उस भाव से काम करते हैं, जैसा निर्देश होगा वैसा काम होगा। क्या तेजस्वी यादव नहीं आए, क्यों नहीं आए? उनके प्रतिनिधि आए थे आलोक मेहता जी, नहीं बड़ी जल्दी चले गए। पटना में रहते हो, अगर नहीं आए तो सवाल तो उठेगा, ये तो उनसे पूछिए जाकर क्यों नहीं आए। ऐसा यही बात मुख्यमंत्री भी कह रहे थे, आप लाइव थे, मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि आप उनसे पूछिए जो नहीं आया, उसके बारे में कोई व्यक्तिगत काम होगा, कोई शरीर है, कुछ तरह तरह की राजनीतिक व्यवस्था में दिमाग चंचल रहता है, चलता रहता है, शरीर का भी स्थिति हमेशा एक समान नहीं रहता। उनका प्रतिनिधि तो आए थे आलोक जी, अब इस पर टीका टिप्पणी करना भाई, फिर किसी से ये बात मत पूछ। झाजी कैसे देख रहे हैं बिहार के पॉलिटिक्स को, जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ, उप मुख्यमंत्री नहीं आए? उप मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं आए, ये तो जानकारी मुझे नहीं है। और अभी जो स्थिति है, जो देख रहे हैं हम लोग भी, सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से ही, कि कुछ कुछ चल रहा है, खेला जो होना था वो खेला चल रहा है, और वो खेला होना ही था। जब ये छोड़ के गए थे उसी समय हम लोग समझते थे कि इनसे बनने वाला नहीं है किसी को, क्योंकि उसी के खिलाफ में वो जंगल राज के खिलाफ में लड़ाई लड़कर वो भाजपा के सहयोग से बिहार के सत्ता पर काबिज हुए थे, अब फिर उसी के गोद में जाके बैठ जाना, तो ऐसा तो वो तो होना ही था। तो फिर संकेत मान रहे हैं कि अगर ये आ रहे हैं इधर तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिहार का विकास होगा? निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा, जब जब एनडीए की सरकार बनी है तभी तभी विकास हुआ है। नहीं तो देखिए, ये जब से ये सरकार बनी थी महागठबंधन की, कोई जिला ऐसा नहीं बचा जहाँ पर रेप हो, डकैती हो, मर्डर हो, कोई जिला नहीं हमको लगता है इससे वंचित रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब नीतीश कुमार को आप लोग मुख्यमंत्री के रूप में एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? अब वो तो आला कमान का बात है, वो तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। लेकिन नीतीश जी आएंगे तो कोई गुरेज भी नहीं, और आपके आइडियोलॉजी के साथ आते हैं तो? आइडियोलॉजी के अगर पार्टी तय करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पार्टी संगठन के साथ हैं, हमारे संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व हैं जो तय करेंगे उसके साथ हम लोग हैं।